हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सॉर्वेन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला ब्राजीलियन लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है कोरिटिबा और पामेरियास के बीच में। ये ब्राजीलिया और सीरिया मतलब ब्राजीलियन फुटबॉल लीग ही है। ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो कुटो पेरेरा में, जो कि कोरिटिबा का होम ग्राउंड है। यह है मैच डे 36। 38 मैचेस का सीज़न होता है, मतलब आखिरी दो तीन मैचेस के भीतर हम आ चुके हैं और लगभग तय हो चुका है कि कौन सी टीम टॉप फोर में रहेंगी। मतलब चैंपियन तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी भी मैचेस बाकी हैं क्योंकि, लेकिन टॉप फोर फाइव के भीतर कौन सी टीम आ सकती है, कौन सी टीम रेलीगेशन जोन पे जा सकती है, ये सब कुछ लगभग अभी पक्का हो चुका है। तो इस मैच का इम्पोर्टेंस ये है कि पामेरियास आप देख सकते हैं छठे स्थान पर हैं। अगर वो यहाँ पर जीतते हैं, अगर वो यहाँ से लगातार अपने मैचेस जो है जीतते हैं, तो टॉप फोर के भीतर वो आ सकते हैं। हालांकि मैथमेटिकल चांसेस हैं, लेकिन चांसेस कम है अगर आप लॉजिकली बात करेंगे तो। कोरिटिबा आप कह सकते हैं लगभग रेलीगेटेड हो ही चुकी है, 20 टीमों की टेबल में वो 19वें स्थान पर हैं। मैथमेटिकल चांस इनके पास भी है, अगर ये लगातार तीन मैचेस जीतते हैं और ऊपरी बाजार के जो टीमें हैं इनसे वो लगातार मैचेस हारते हैं तो एक चांस शायद बने, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत ही कम हैं। तो मैथमेटिकली इस मैच का इम्पोर्टेंस है दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन लॉजिकली उतना काम कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैचेस में क्या होता है कि जो बड़ी टीमें होती हैं अपने बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करती हैं और छोटी टीमें जो होती हैं वो पार्टी स्पॉयलर का काम करते हैं। पार्टी स्पॉयलर मतलब जो बड़ी टीमों के पास छोटे मोटे जितने भी चांसेस हैं बड़ा मतलब अच्छा कुछ करने का, उसको वो स्पॉयल कर देते हैं। और बड़ी टीमें ऑलरेडी अपने बेंच स्ट्रेंथ के साथ आ रही है तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इस मैच से भी आप ऐसी कुछ चीज़ें उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो पामेरियास और ऑफकोर्स यहाँ भी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे सुनने को मिल रहा है, जितना मैंने देखा है कि हो सकता है पामेरियास अपने बहुत सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स को कल के मैच में रेस्ट दे दे। ठीक है, आपको पता होगा रिसेंटली वो क्लब वर्ल्ड कप भी खेल के आए हैं, साउथ अमेरिकन जो चैंपियंस लीग होते हैं वहाँ पर भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कम्पीट कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कि वो इम्पोर्टेंट कुछ प्लेयर्स को वो ड्रॉप कर दें और अपने बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा होता है ना तो चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। वैसे तो हमारा स्मॉल लीग का टीम जो है अगर सब कुछ सही रहता है तो उसी हिसाब से बनाएंगे इनिशियली, लेकिन अगर चेंजेस वगैरह होते हैं तो ये मैच जो ऑलरेडी काफ़ी रिस्की हो सकता है उसका रिस्क परसेंटेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इस मैच पे आपको या तो खेलते हुए नहीं दिखेंगे या तो डाउटफुल होंगे। आखिरी जो मैच हुआ था, लेकिन मतलब पहला जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच इस सीज़न में, कोरिटिबा ने जीत हासिल करा था। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ था कि पामेरियास की तरफ से बहुत सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स यहाँ पर नहीं खेल रहे थे या फिर उस तरह से सेट नहीं हुई थी टीम, आप वो भी कह लो, तो कोरिटिबा ने इनको हराया था। क्या किया था कोरिटिबा ने अगर आप नोटिस करेंगे, अच्छा दोनों ही टीमों के बारे में जो चीज़ मुझे बताना ज़रूरी है कि दोनों ही टीमें विंग्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करती हैं, अच्छा पूरा नहीं मतलब क्या होगा विंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सेंट्रली दोनों ही टीमों के पास क्वालिटीज़ की कमी है, और ये चीज़ मतलब कोरिटिबा के पास तो ऑफकोर्स है ही, ये तो आप रैंकिंग से ही समझ सकते हो, पामेरियास के पास भी है। तो आखिर जो मैच हुआ था यहाँ पर क्या हुआ था कि रॉब्सन यहाँ पर जो खेलते हैं लेफ्ट साइड में, इन्होंने पूरी तरीके से झंझोर के रख दिया था पामेरियास की टीम को। यहाँ पर राइट साइड में खेल रहे थे वेरॉन, माफ करना, राइट साइड में खेल रहे थे मार्कोस रोशा, ये इनके फर्स्ट चॉइस राइट बैक हैं। तो लेकिन इनके बावजूद ये भी कुछ बुरे नहीं है, ये ब्राज़ील इंटरनेशनल भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रॉब्सन ने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला था। मिडफील्ड में दोनों ही टीमों की तरफ से खास कुछ क्वालिटीज़ नहीं थी, लेकिन दो प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा कर गए थे कोरिटिबा की तरफ से, एक है हुगो मोरा शायद इनका नाम है और दूसरे हैं गल्डेजानी। हुगो मोरा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं इस दौड़ में, भले ही कोरिटिबा एज ए टीम उनका उतना अच्छा नहीं कर पाई हो, लेकिन हुगो मोरा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। मिडफील्ड में डिफेंसिव मिडफील्डर हैं लेकिन ये गोल करना भी जानते हैं, बीच बीच में कुछ मैचेस में इन्होंने गोल भी करा हुआ है। बाकी बहुत सारे प्लेयर्स अभी इनके फर्स्ट टीम फुटबॉल की बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको नोटिस करने को मिल जाएगा कि डिस्पाइट कोरिटिबा यहाँ पर वीकर टीम थी, डिस्पाइट उनके पास लगभग मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स पोजीशन नहीं था, लेकिन उन्होंने विंग्स का इस्तेमाल करा और वहीं से उन्होंने पूरी तरह से झंझोर के रख दिया। यहाँ पर बहुत सारे चांसेस मिस किए थे पामेरियास के जो अटैकर्स थे, लेकिन फिर भी एक गोल उन्होंने करा और वो भी विंग से ही आया था, मतलब विंगर का ही था जो कि शायद सेट पीस से आया था। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं डिवास्टेटिंग अटैक फ्रॉम कोरिटिबा, स्पेशली विंग्स जहाँ से वो अच्छे थे। बाकी दोनों टीमों का स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो हम आगे बात करते हैं, फिलहाल के लिए आप देखते रहिए। कोरिटिबा ने मिडफील्ड में यहाँ पर ब्लॉक करा था और ये एक वीकर जोन है, ठीक है, पामेरियास का भी और कोरिटिबा का भी। कोरिटिबा चलिए इस मैच में तो अच्छा कर चुकी थी, लेकिन अगर आप पूरे सीजन में देखेंगे तो यहाँ पर एक वीकनेस रहा है कोरिटिबा का भी, और ये तो मतलब पूरे टीम में ही उनका वीकनेस है, और ये स्पेसिफिकली एक जोन है जहाँ पर वो थोड़ा बहुत वीक रहे हैं। बोथ टीम्स यूज विंग्स मोर, जो कि मैंने पहले आपको बताया। पामेरियास यहाँ पर बहुत खराब फुटबॉल खेली थी, मतलब बताने लायक कुछ था नहीं, नहीं तो मतलब डेली डेली नहीं होगा कि कोरिटिबा पामेरियास को इतने बड़े डिफेंस से हराए।
पामेरास हेड पोजीशन और क्वालिटी मैंने काउंटर अटैक से हिट किया। पामेरास ने एकमात्र गोल जो करा था सिर्फ पीछे कर दिया। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो मार्कोस रोसा आप नोटिस कर सकते हैं, इनके सबसे ज़्यादा टैकल्स, उसके बाद नटालियन, ये दोनों ही जो है मार्कोस रोसा आपको दिखेंगे, ये राइट बैक खेल रहे थे पामेरास की तरफ से, नटालियन राइट बैक खेल रहे थे कोलटिबा की तरफ से। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कहाँ से बन रहा था, तभी जाके इनको टैकल्स वगैरह विन करने का मौका मिला। यहाँ से रॉबसन, यहाँ से वेरॉन खेल रहे थे, दोनों ही अपने अपने टीम के लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे थे और इसीलिए सामने वाली टीम के राइट बैक्स जो खेल रहे थे उनके ऊपर प्रेशर बना और उन्होंने बहुत हद तक कोशिश भी करी। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अटैकर सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन कुछ बार वो भी सक्सेसफुल हुए हैं जिसकी वजह से टैकल्स वगैरह विन करा है। और मिडफील्ड में दो प्लेयर्स के मैंने नाम बताया, गैल्देजानी और बोरा, इनमें से गैल्देजानी का नाम आपने देखा है। यहाँ पर रॉबसन के सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट, 5 टाइम उन्होंने शॉट्स ऑन टारगेट रखा, मतलब कितना डोमिनेट करा था उन्होंने इस मैच में, आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद वेरॉन और वेबर्टन जो यहाँ पर पामेरास के गोलकीपर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा सेव्स वगैरह करे थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो कोरिटिबा के मैचेस की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सैंटोस से वो हारे हैं रिसेंटली, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो हारे ही हैं। 19 नंबर की टीम है आखिरकार, आप ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, पूरे सीजन में 6 ही मैच वो जीते हैं, उनमें से एक मैच वो पामेरास को हराने सक्षम हुए थे। जो भी हो तो सैंटोस ने उनको हराया था। अगर आप इनके टीम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक है सारा फ्लोरे, सारा फ्लोरे कभी कभार अटैक के मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं और कभी कभार विंग्स पे भी ऑपरेट करते हैं। नाइल्टन जनरली विंगर हैं, कभी कभार इनको फॉरवर्ड के तौर पर भी खेला जाता है। इसके सिवाय और यहाँ पर कुछ खास नहीं है बताने लायक। यहाँ पर बाकी जो प्लेयर्स हैं ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं, लेकिन ये दोनों लगभग फर्स्ट टीम फुटबॉलर हैं और हुगो मोड़ा के बारे में पता ही दिया। यहाँ पर जो करा था सैंटोस ने, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, लेकिन डिफेंसिवली अच्छा कर रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं सामने वाले टीम की अटैकिंग थर्ड में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस थे जिसकी वजह से ये मतलब कॉप अप नहीं कर पाए। और इन्होंने भी विंग का ही इस्तेमाल करा, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर इनके जो दोनों फुल बैक्स थे, दोनों जो साइड स्ट्राइकर्स थे, दोनों ने ही अच्छा फुटबॉल खेला और यहाँ से हिट करने का पूरा उन्होंने जो फ़ायदा है उठाया। तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो डिफेंस यहाँ पर बहुत बुरा नहीं था, लेकिन ऑफुल अटैकिंग थर्ड स्पेशली फिनिशिंग यहाँ पर बहुत ख़राब था जिसकी वजह से वो हार गए। सैंटोस डिफेंसिवली अच्छी थी यहाँ पर, ये कोई मतलब बोलने वाली बात नहीं है। मिडफील्ड कंट्रोल करा और ये हमेशा ही होता रहता है कोरिटिबा के अगेंस्ट में, क्योंकि मिडफील्ड में यहाँ पर काफ़ी इशूज हैं इनके लिए, जो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। कंट्रोल कंसीडर ट्वाइस फ्रॉम सेट पीस, सैंटोस के पास पोजिशन था। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो नेथन सिल्वा जो आपको दिखेंगे सेंट्रल डिफेंस में, इनका एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि ये आपके लिए पासिंग से काफ़ी पॉइंट्स जो है कलेक्ट करके दे सकते हैं, अगर कोलटिबा कई बार थोड़ा बहुत पोजीशन रख लेती है तो। और उसके बाद रिबेरो, ये भी सेंट्रल डिफेंडर ही है, तो मतलब पासिंग यहीं से हो रहे हैं। और रिसेंटली जो जीत उन्होंने दर्ज करा था वो था वास्को टाकामा के अगेंस्ट में, वो भी शायद 1.5 महीना हो चुका है इस जीत को आए हुए। तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ जो है आपको समझ में आएगी, ठीक है। नोटिस करो नेथन सिल्वा यहाँ पर खेल रहे हैं मिडफील्ड में, तो ये एक फ़ायदा जो है आपको इनसे मिल जाता है कि क्योंकि सेंट्रल डिफेंडर हैं तो डिफेंसिव क्वालिटीज़ तो ऑफकोर्स होगी ही, और ज़रूरत पड़ने पर मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी भी इनके पास एबिलिटी है क्रिएटिविटी की। बाकी मिडफील्डरों में से आप देखेंगे तो हुगो मोड़ा जनाने से बताया, और यहाँ पर बुएनो खेल रहे थे। बाकी अगर आप डिफेंडरों में से बात करेंगे तो रिबेरो यहाँ पर खेल रहे थे जो पिछले मैच में भी खेले थे, और सबिनो यहाँ पर आ गए थे, ये इनके फर्स्ट टीम डिफेंडर हैं और इनके पास सेट पीस में गोल करने की भी एबिलिटी है, कुछ गोल्स इन्होंने इस सीजन में करे हुए हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो विंग्स का इस्तेमाल, तो सबसे पहले नेल्टन का नाम आपको दिखेगा, नेल्टन राइट बैक, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से खेल सकते हैं, और ऊपर मैंने आपको बताया सेंट्रली अटैकर के तौर पर भी खेल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सारा फ्लोरे, ये यहाँ पे राइट साइड में ऑपरेट कर रहे थे। नटानियल इनके जो राइट बैक हैं, इनके पास एबिलिटी है गोल स्कोर करने का, ठीक है, इन्होंने कुछ मैचेस में गोल करे हुए हैं और बहुत ही एग्रेसिव एक फुल बैक है। डिफेंसिव क्वालिटी मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गोल करना जानते हैं, अगर कहीं से वीकनेस वगैरह मिल गया सामने वाली टीम के लेफ्ट साइड में तो ये वहाँ से एक्सपोज करने की एबिलिटी रखते हैं। सामने वाली टीम भी यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी बुरा खेल रही थी, एक प्लेयर उनके डाउन भी हो चुके थे, नहीं तो आउट ऑफ फॉर्म थी कोरिटिबा, यहाँ पर भी शायद वो जीत नहीं पाती, लेकिन चलिए कुछ नहीं, लक उनके साथ में चला गया, सामने वाली टीम वन मैन डाउन हो गई और उसके बाद कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे और कुछ पता नहीं है, इफेक्टिव विंग प्ले और सॉलिड डिफेंस जिसकी वजह से आप जीत पाए यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हैं कि सामने वाली टीम एक प्लेयर डाउन होने के बाद अटैकिंग लिए उतनी एक्टिव थी भी नहीं। विंग प्ले ऑन द मूव, गोल वहाँ से आया, राइट साइड से ज़्यादा इस्तेमाल किया था वास्को डा कामा ने। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो नटानियल और सारा फ्लोरे जनरली अटैकर हैं, लेकिन इनके आप देख सकते हैं टैकलिंग विन के स्टेटिस्टिक्स भी काफ़ी सही रहते हैं। नेथन सिल्वा फिर से आपको देखेंगे कि पासिंग वगैरह निकाल रहे हैं, और नटानियल के शॉट्स ऑन टारगेट, नटानियल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट बैक खेल रहे थे, लेकिन उनके शॉट्स ऑन टारगेट भी हैं क्योंकि सामने वाली टीम के जो लेफ्ट बैक खेल रहे थे वो ऑलरेडी रेड कार्ड हो चुके थे। तो यहाँ पर एक गैप था जो मैं आपको पहले ही बताया कि नटानियल अगर कहीं से गैप मिल जाता है उनको तो ये बहुत ही अग्रेसिव फुल बैक हैं और अटैकिंग भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं।
तो ये है थोड़ा बहुत आइडिया कोर्टिवा के बारे में। बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किने चुने कुछ प्लेयर्स ही होंगे विंग का इस्तेमाल करते हैं, यही एक पॉजिटिव बात है। और मिड सेंट्रली एक दो प्लेयर्स हैं जैसे नथन सिल्वा मैंने बताया, हुगो मोरा मैंने बताया, यही बाकी ब्राज़ीलियन लीग है हमेशा ही प्लेयर्स ऑल्टरनेट होते रहते हैं, तो कंसिस्टेंट कोई खेलते रहें ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी हम बात करते हैं पामेरस के बारे में। तो पामेरस रिसेंटली मतलब हेक्टिक शेड्यूल के हिसाब से चल रही है, ठीक है, लगातार टूर्नामेंट्स और मैचेस वो खेले जा रहे हैं, और सही बताऊं तो रिजल्ट्स उनके सपोर्ट में नहीं गए हैं। क्लब वर्ल्ड कप वो खेल रहे थे, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी टीमों का जिसमें खेलना पड़ा, हारना पड़ा, और चैंपियंस लीग खेल रहे थे वहाँ पर भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। हालांकि सैंटोस को आखिरी मैच में उन्होंने हराया था 1-0 गोल से, लेकिन सबसे बड़ा जीत और रिफ्रेशिंग जीत आप कह सकते हैं वो यहाँ पर दर्ज करा था उन्होंने फोर्टालेज़ के अगेंस्ट में, जो कि आखिरी मैच ही था इनका। तो यहाँ पर आपको जो दिख जाएगा कि ये जो है ये भी विंग का इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास जो दोनों फुल बैक्स हैं ये कभी कभार विंग बैक्स के तौर पर भी यूज्ड होते हैं। यहाँ पर मार्को रोशा खेलते हैं, मार्को रोशा काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया ब्राज़ीलियन नेशनल टीम के होकर भी खेल चुके हैं, और ये भी काफ़ी एग्रेसिव एक फुल बैक हैं। हालांकि अभी एज हो चुकी है इनकी तो उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, लेकिन एग्रेसिव माइंडेड ये भी है। अटैकिंग थर्ड में यहाँ पर खेल रहे थे ब्रेनर लोपेज़ शायद इनका नाम है, उसके बाद लीमा और स्कार्पा एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल फुटबॉलर हैं, इनको आप मतलब मल्टीपल पोजीशन में खेलते हुए देख सकते हैं। जनरली लेफ्ट साइड से ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, या तो वो लेफ्ट विंग भी हो सकता है, लेफ्ट मिडफील्ड भी हो सकता है, या यहाँ तक कि लेफ्ट बैक के तौर पर भी उन्होंने खेला हुआ है। हालांकि उस पोजीशन पर उतने सक्सेसफुल वो हुए नहीं है, लेकिन एबिलिटी इनके पास है। बाकी इनका जो वीकनेस है वो सेंट्रली ही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर प्लेयर्स बदलते रहते हैं। इनके डिफेंसिव स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो गोमेस ये एक बहुत ही अच्छे पासर ऑफ द बॉल हैं, और क्योंकि पामेरस थोड़ी सी बड़ी टीम है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये पोजीशन रखते हैं और गोमेस को पासिंग करने के भी मौके मिल जाते हैं। उसके बाद रेनान आपको दिख जाएंगे, रेनान लेफ्ट बैक के तौर पर भी खेल सकते हैं, सेंट्रली भी खेल सकते हैं, और ये यूरोपियन फुटबॉल में भी काफ़ी परिचित नाम है। और यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए नहीं है, सामने वाली टीम ऑलरेडी रेलीगेटेड हो चुकी है या रेलीगेशन जोन में है, तो ऑलरेडी काफ़ी वीक टीम थी, तो ऑफकोर्स इनसे आप कुछ स्पेशल उम्मीद नहीं कर सकते। तो ओवरऑल डोमिनेशन, स्ट्रॉन्ग अटैक इन थर्ड, सॉलिड डिफेंस, इफेक्टिव विंग प्ले, जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ऊपर से ही कि विंग प्ले दोनों ही टीमों का स्टाइल ऑफ प्ले भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हैं, एंड दैट मेक देयर लुक विन ईजी अगेंस्ट माच वीकर ओपोनेंट। 70% के आसपास पोजिशन था, सिर्फ पीछे गोल करा। इम्पॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात है, फोर्टालेज़ा ने लेफ्ट साइड से कोशिश वगैरह करा था, हालांकि इफेक्टिव तो नहीं हो पाए थे। फोर्टालेज़ा लेफ्ट साइड से हिट कर रही है, मतलब सामने वाले टीम का राइट साइड, और आपने नोटिस करा था जो मैंने आखिरी हिट ट्वेट दिखाया वहाँ पर भी यही चीज़ हुआ था कि लेफ्ट साइड से वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर गोल कर पाए थे सामने वाली टीम, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। रेनान और मार्को रोशा के टैकल्स भी आपको दिख जाएंगे, उसका क्योंकि पोजिशन था, तो गोमेस, कुसिएविच, मेनिनो, रोशा, इनके पासिस भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, और स्कार्पा के शॉट्स ऑन टारगेट। अगला मैच यहाँ पर जो हारे थे वो सियारा के अगेंस्ट में हारे थे, और यहाँ पर आपको स्कार्पा दिख जाएंगे लेफ्ट बैक के तौर पर खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स खेल भी नहीं रहे थे, मार्को रोशा यहाँ पर नहीं खेल रहे थे, सेंट्रल मिड डिफेंस में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहे थे, मिडफील्ड में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनके प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं। तो एकमात्र गोल जो करा था वो वीरॉन ने करा था, वीरॉन ने आखिरी हेड टू हेड मैच में भी गोल करा था, आपने नोटिस करा होगा लेफ्ट साइड से ये खेलते हैं। लेकिन विंग प्ले यहाँ पर भी एक्टिव था, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाया था। सामने वाले टीम के जो दोनों फुल बैक्स थे, स्पेशली इनके जो राइट बैक थे, इन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था सामने जो यहाँ पर आ रहे थे, लेफ्ट बैक जो थे, माफ करना, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था लोपेज़ को, ठीक है, और कुछ भी खास फ़ायदा हुआ नहीं था। एकमात्र गोल था सेट पीस से आया था, और यहाँ से जो कोशिश इन्होंने करी थी वो था सेंट्रली पहले तो जकड़ने का कोशिश करा था मिडफील्ड को, उसके बाद सेट पीस से एक गोल आया पेनल्टी से, नहीं तो सियारा काफ़ी वीक टीम है, कम से कम पामेरा से तो वीक टीम थी ही, और एक टीम एक गोल जो आया वो विंग से ही आया। तो नोटिस कर सकते हैं आप कि विंग से यहाँ पर भी काम हो रहे हैं इनके अगेंस्ट में, हालांकि क्योंकि बड़ी टीम है तो बहुत ज़्यादा आपको ये वीकनेस नज़र में आएगा नहीं, लेकिन कुछ मैचेस में हमने ये चीज़ होते हुए देखा है। और एक जो मेजर चीज़ जो दोनों ही टीमों के तरफ से कॉमन है वीकनेस के बारे में, वो है सेंट्रल ऑफ द पिच, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही टीमें थोड़ा बहुत वीक हो जाती है, तो मिसिंग सम इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स खेल भी नहीं रहे थे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन जो भी हो स्टाइल ऑफ प्ले तो सेम ही रहता है। लॉट्स ऑफ मिस चांसेस जिस वजह से वो हार गए, विंग प्ले इफेक्टिव था, वहाँ से गोल आया, डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑफ द मिडफील्ड, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ क्योंकि बड़ी टीम है तो छोटी मोटी टीम के उसमें ये मतलब कंपेंसेट कर लेते हैं ओवरऑल किसी भी तरीके से हो, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाए थे। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो गोमेस फिर से आपको यहाँ पर पोजीशन रखे थे, तो पासिंग के पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, उसके बाद एम्पेरियर जो दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स हैं।
तो ये है कुछ हद तक आइडिया पामेरस के बारे में। बहुत सारा शफल ये करते रहते हैं, इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, तो इसीलिए पर्टिकुलर किसी फर्स्ट टीम इलेवन के साथ आप इनको स्टिक करते हुए नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, रिसेंटली बहुत हेक्टिक शेड्यूल की वजह से जान रहे थे, तो उनको शफल करना भी पड़ रहा था अपने प्लेयर्स को। लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले वही है कि विंग प्ले करते हैं और सेंट्रली इनके पास वीकनेसेस है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने के बाद और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि पामेरास आज के मैच में अपने फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स को ड्रॉप कर सकती है, अगर ये सब सही हुआ तो आज के मैच में आपका जो रिजल्ट है ना वो उल्टा भी हो सकता है। हालांकि हम स्मॉल लीग में ऐसी टीम नहीं बनाएंगे कि मतलब रिवर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ प्लेयर्स को रखना कोलिटिवा की तरफ से जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो वो कौन हो सकते हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं आगे। सिर्फ स्टेकर्स ये कुछ हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। स्टैटिस्टिकली बात करें तो पामेरस की तरफ से वाइगा इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, उसके बाद अद्रियानो, और कोलिटिबा की तरफ से रॉबसन 8 गोल करा है, जिनमें से 2 गोल आपने देखा आखिरी हेडट्रिक में करा हुआ था उन्होंने। उसके बाद ऑगस्टो और सबीनो, सबीनो जो इनके डिफेंडर हैं, असिस्ट के मामले में भी आपको ऑगस्टो का नाम दिख जाएगा, और नाइलटन जिनके बारे में हमने बताया, और पामेरस की तरफ से मेरिनो जिनके मिडफील्डर हैं, स्कार्पा और विलियन। अगर सब कुछ सही रहता है तो ऐसे प्लेइंग इलेवन हो सकते हैं, लेकिन ये चेंजेबल है। ब्राज़ीलियन लीग में प्रेडिक्ट कर पाना कि प्लेइंग इलेवन क्या होगा बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मोरा यहाँ से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये डिफेंसिव मिडफील्डर है। ठीक है, लेकिन ये गोल करना जानते हैं, और जैसे मैंने पहले आपको बताया दोनों ही टीमों के मिडफील्ड में इशूज़ हैं, तो पामेरस के भी मिडफील्ड में इशूज़ है, तो इनके पास ओपन स्पेस रह सकता है और ये मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सारा फ्लोर है यहाँ पर, उनको कोशिश तो मेरा मतलब चांस तो यही है कि ये सेंट्रली स्टार्ट करें। अगर सेंट्रली स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे। रॉबसन मेरे लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, आखिरी हिट मैच में 2 गोल उन्होंने करा हुआ था, और आज के मैच में अगर मार्कोस रोसा स्टार्ट नहीं करे राइट बैक में, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपके लिए रॉबसन फिर से इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, और मार्कोस रोसा के अलावा राइट बैक हमेशा ही, या राइट साइड जो है इनका पामेरास का हमेशा ही वीक नज़र आता है। और यहाँ से नाइलटन को भी आप रख सकते हैं, तो ये 4 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो एक बार के लिए ये जो सेंट्रल स्ट्राइकर है इनको आप मिस भी कर सकते हैं। डिफेंडर में से बात करें तो रोडोल्फो मेरे लिए बेटर ऑप्शन नज़र आते हैं मुझे, और नेथन सिल्वा जो है ये मिडफील्ड में अगर खेलते हैं तो हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, पासिंग के अगर कुछ पॉइंट्स आपको दे देते हैं, रोडोल्फो सेट पीस में इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। और विल्सन जो गोलकीपर हैं, दोनों ही टीम के गोलकीपर अच्छे हैं, लेकिन विल्सन को हो सकता है ज़्यादा सेव वगैरह करने पड़े, अनलेस कि पामेरास बहुत सारा चेंज करे और मैच जो है पूरा रिवर्स ही हो जाए और कोलिटिबा मैच को कंट्रोल करे। ठीक है, तो वो आपको लाइनअप देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से विल्सन के पास ही सेव करने के ज़्यादा मौके आने चाहिए, जो कि कोलिटिबा के गोलकीपर हैं। पामेरास की तरफ से बात करूँ तो वाइगा यहाँ से लोपेस और ये सबके टीम में होंगे, ये लुआन जो है ये आपके लिए सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अटैकर्स में से मैंने कुछ खास तो अभी तक देखा नहीं है किसी को उस तरह से, मतलब स्टैटिस्टिकली भी नहीं और रीसेंट मैचेस में भी नहीं। बाकी रॉनी हो सकते हैं सेंट्रल स्ट्राइकर हो, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, काफ़ी लोग इनको लेंगे भी अगर इस सेंट्रल स्ट्राइकर तो स्टार्ट करते हैं। तो डिपाउला ये इनके मिडफील्डर हैं और इनके असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर सेट पीस भी ये लेते हैं फ्री किक वगैरह में, और उस तरह से खास कुछ नहीं। जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स आज के मैच में रेस्टेड हो सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और मैच का जो टीम है वो हो सकता है थोड़ा आपको अलग बनाना पड़े। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम किस तरह से हम बना सकते हैं अगर सब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेलते हैं तो। इससे पहले मैं टीम दिखाऊं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें इसकी फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम को वो भी मिलने वाली है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम के सर्च बार पर @teams4win विदाउट स्पेस लिख के, तो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पर आपको टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ फुटबॉल की बल्कि क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। अच्छा, अभी के लिए तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये चेंजेबल है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे स्ट्राइकर्स में लुइस अद्रियानो मेन स्ट्राइकर हैं पामेरस की तरफ से, लेकिन चांस ये है कि ये नहीं खेले। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि रॉनी डा सिल्वा जैक हैं, और भी कुछ प्लेयर्स हैं, डे पाउला हैं, अगर ये खेलते हैं, मेरिनो है, अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये नहीं खेलते हैं तब तो आपको सोचना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो गोलकीपर हैं वेबर टर्नर, ये भी सही गोलकीपर हैं। ठीक है, तो इनको अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर पामेरास अपने फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स को नहीं खिलाती है, कोलिटिबा खिलाती है, तो क्या पता कोलिटिबा ही मैच को डोमिनेट करे और वेबर टर्न को सेव्स वगैरह करने पड़ जाए।
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी पामेरस के सपोर्ट में ही टीम बनाना है, आप रेनान को यहाँ पर हटा दो, ये वैसे भी कम लोग ही इनको लेंगे, 7.5 क्रेडिट में हैं, इनके जगह पर आप वेबटन को ले लो, तो आप करें 3 से क्लीन शीट के डिफेंडर्स भी हो गए। रोडोल्फो मेरे लिए यहाँ से सेट पीस के लिए, हुगो मोरा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मिडफील्डर हैं जिनको मेरे को लेना है, और आप यहाँ से ले सकते हो नथान सिल्वा को या गल्टेजानी को, ठीक है, जो मिडफील्ड में खेलेंगे। गल्टेजानी आखिरी हेड टू हेड मैच भी अच्छा कर चुके हैं, नथान सिल्वा थोड़ा डिफेंसिव है, पासिंग के अगर पॉइंट देंगे तो देंगे, नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं है ज़्यादा कुछ। और सारा फ्लोर है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, अटैकिंग थर्ड में खेलेंगे और इनके पास एबिलिटी है मल्टीपल पोजिशन में खेलने का, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारा फ्लोर को रखा है, रॉबसन को रखा है और हुगो मोरा, यहाँ पर नाइल्टन का भी ऑप्शन आएगा लेकिन हुगो मोरा को मेरे को लेना था इसीलिए मैंने नहीं लिया है। नाइल्टन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर भी मेरे को पामेरास के सपोर्ट में भी मैंने टीम बनाया है, और ले मेरे लिए मेन जो अटैकर्स हैं कोलिटिबा की तरफ से उनको भी मैंने मैनेज कर लिया है। यहाँ पर मुझे गोल की उम्मीद है, मुझे लगता है दोनों टीमों से गोल होंगे, भले ही कोलिटिबा हारे या जीते, उनसे मुझे एक गोल की या उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसकी उम्मीद तो है। कैप्टन मस्करे चॉइस की बात करें तो अगर फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स नहीं खेलते हैं पामीरस की तरफ से, तो रॉबसन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, और उसके बाद स्कार्पा ये विंग पे खेलेंगे अगर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो वैसे भी आपके लिए काफ़ी पॉइंट्स ये कलेक्ट कर ही सकते हैं। इसके सिवाय नाइल्टन और वाइगा ये दोनों आपके लिए सेकेंड चॉइस ऑप्शन होंगे, और बड़ी लीग में ट्राइबल ऑप्शन में से सारा फ्लियोरे आपके लिए ऑप्शन है, और ब्रेनर लोपेस इन्होंने आखिरी मैच में भी गोल करा हुआ है, अगर आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल में मस्टली ज्वाइन हो जाना अगर आपको इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम चाहिए। तो तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।